हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सुनीता वोरा ब्लॉग्स में। आशा करूँ कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे और मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, खांसी वांसी तो बोलने में गला भी बैठा हुआ है। और कल मम्मी लोग आए थे मुझे पिटोली देने के लिए, मम्मी बैठी सीढ़ी में और भावेश आया है, पापा गए हैं नहाने के लिए। ये देखो, हेलो भावेश कदा, ये मेरा भाई का बेटा है बजे आया है, जो पहले भी ब्लॉग में दिखाया है मैंने इसको। हेलो कह दे, हेलो गाइज कह दे, हेलो बोल दे, हेलो गाइज। मैं बुआ के घर आया हूँ, बोल, बुआ के घर आया हूँ। देखो सर मारा है, तो मम्मी बैठी है मेरी यहाँ पे सीढ़ी में। देखो हेलो बोल दो मम्मी सभी को। हेलो। तो मम्मी रोटी देने आई है मेरे को, यानी कि बिटोली देने आई है, चैत के महीने में बिटोली दी जाती है हमारे यहाँ। तो पापा भी नहाने गए हैं और मुझे मिली है छुट्टी 4 दिन की। खाना नहीं बनाना है मुझे, तो मम्मी बनाएगी। तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, आजकल धूप आती है बहुत ज़्यादा। पापा पी रहे हैं चाय। भावेश, मम्मी इसको दूध पिला रही है। हेलो हेलो, तो पी रहे दूध भाभी का के निपल से। हम आज चीजी लाएंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बस में आया था ना तू ना भावेश? फिर ये वहाँ से पकौड़ी लाएगा, ठंडा बोतल भी लाता है ना गाड़ी। तो दिन के बज चुके हैं एक और खाना खाने का भी हो गया टाइम, जुकाम से बहुत ज्यादा हालत खराब है। माय लूसी वापस आ गई। लूसी नहीं, इसके पापा पता नहीं कहाँ से बिल्ली लाए हैं, हमारे नए मकान में आई थी। तो ये बच्चे करते मम्मी हमें इसको पालेंगे, तो इसका नाम भी इन लोगों ने लूसी रख दिया है। तो खाना ना खाते हैं, तो पापा मम्मी लोग खाना खाने लग गए हैं। कुत्ता लेने नहीं जा रहे, गाइस जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को, सुबह से कुत्ता लेने। चलो तो मम्मी लोग खाना खा रहे हैं, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। जाएंगे गाइस, जाएंगे। तो यहाँ पर पापा लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पर मम्मी बैठी है खाना आना खाने के लिए, तो मैं भी खा लेती हूँ। मेरे को अलग से मिलेगा यहाँ पर खाना, तो मैं यहाँ पर बैठ के खाती हूँ खाना। तो मम्मी यहाँ पर खा रही है, आयुष आ गया है। आयुष पानी दे पहले। तो मेरा भी खाना आ चुका है, गोविंद जी मुझे खाना दे रहे हैं। थोड़ा सा ही खाऊंगी चावल। तो यहाँ पे मेरे लिए आ चुका है चिकन। बिल्ली भी खा रही है, बिल्ली हमारी नया मेहमान, बिल्ली नया जुड़ गई है लूसी की जगह भूसी। सो गाइस, हमारे यहाँ आ गई है लूसी, दूसरी लूसी। तो यहाँ खाना खाती हूँ, हट, परेशान कर रही बिल्ली को बाहर कर। तो हम यहाँ पे सब लोग खाना खाते हुए खाना ना खा लेते हैं, तो उसके बाद मिलेंगे आपसे कुछ देर बाद। शाम के बज चुके हैं 4 और सब लोगों ने चाय पी ली है, तो पापा लोग भी बैठे हैं अभी। निपल से पी रहा है ना भावेश दूध? ची 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 ची। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो मैं घास काट लेती हूँ अभी। पापा बैठे हैं यहाँ पे, भावेश पी रहा है दूध। तो मैं जल्दी से घास काट लेती हूँ। और श्यामू आया था बिटोला देने के लिए, मम्मी का बिटोला भी आ गया था। श्यामू आया था, अब जाने भी लग गया, 2 घंटे ही रुका। ये देखो इतनी जल्दी जाने लग गए, 3 बजे आया और 5 बजे चले गया। तो जा रहे हैं ये, बाय। तो हम घास काट लेते हैं, अब तुम्हारी उंगली टेढ़ी दिखी है, तो अब तुम घास काटने लग जाओ मेरे साथ। हाँ, जीते रहो, खुश रहो, आना। तो बच्चे यहाँ पे खेले क्रिकेट। का समय है, शाम के बज चुके हैं 6 और अभी हम बैठे थे चारपाई में। तो मम्मी तो अभी अंदर बैठी है, सोई है भावेश के साथ, और आयुष और मैं है। नाना जी मोबाइल देख रहे हैं, इसका हालत बहुत डाउन है, जुकाम से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पापा यहाँ बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी धनिया बता रही थी।
सासू माँ है वो, और वो है मेरे पापा आयुष। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मैं सुनीता बुरा व्लॉग्स में। आशा करूँगी आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तबीयत तो ठीक नहीं है, कल जुकाम बुखार होने से पूरा व्लॉग बना नहीं पाई थी मैं, और मम्मी लोग आए थे मेरी भिटौली देने के लिए। मम्मी अब जाने ही वाली है, बैठे हैं मम्मी यहाँ पर, और यहाँ पर भी मम्मी बैठी हैं, सासू माँ है। तो ऐसे ही हो गया था, कल व्लॉग पूरा नहीं बना पाई थी, सर्दी जुकाम बुखार था, गले में भी दर्द थी, तो वो बिल्कुल बनाने की हालत नहीं थी। तो अब मम्मी लोगों की जाने की हो रही तैयारी, मम्मी बना रही है यहाँ पे नाश्ता। तो पापा अभी बैठे हैं ताऊजी लोग के घर में, चाय वगैरह पी रहे हैं वहाँ पर, अभी दिखाएंगे हम आपको। फिर से ला भावेश जा रहा है अपने घर, बुआ कर लिए भावेश को तैयार, और भाभी का यहाँ हाथ फोल्ड करके देख लिए कि भावेश भैया जा रहा है करके। भाभी भाभी का हेलो का, हेलो गाइस, भावेश हेलो गाइस के दे, गाइस मैं जा रहा हूँ, हेलो गाइस के दे, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ को, मैं जा रहा हूँ, अब अपने घर जा रहा हूँ, बोल मैं जा रहा हूँ, बुआ के घर फिर आऊँगा को, बाद में और आऊँगा, आएगा। तो भाभी का भी आ गई, दोनों भाई बहन एक ही दिन के हैं, भाभी का और भावेश एक ही दिन पैदा हुए थे। हेलो हेलो गाइस कर दे भाभी का, हेलो गाइस कर दे, भाभी का को शर्म लगती है हेलो गाइस कहने में। भावेश तो गाइस दिन के बज चुके हैं दो, और पापा मम्मी लोग भी घर जा चुके हैं, और मैं भी आराम कर रही थी, टीवी देख रही थी, ये भी भागवत सुन रही थी। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम बुखार है, लगातार बुखार आ जा रहा है, कभी टूट जा रहा है कभी आ जा रहा है। नीचे भी मकान में पीओपी का काम चल रहा है, गोविंद जी फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, तो एक बार जाती हूँ देखती हूँ क्या कहते हैं वो। पहले आ गए थे तो जा रही हूँ मैं मकान में, दिखाती हूँ मैं आपको पीओपी हमारी कैसी हो रही है, आज से स्टार्ट हो रही है, दिखाऊँगी मैं आपको। गाइस देख सकते हैं आप, धूप इतनी ज़्यादा लगी है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ये हवा से सारा बर्तन टूट जा रहा है, तो मैं ब्लॉग बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं कर पाई थी, तो कल भी मैंने नहीं बना पाई थी, तो मैं सुबह थोड़ा आप दिखाऊंगी, मैंने सुबह दिखाया था, तो ब्लॉगिंग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो दिखाऊंगी मैं आपको नीचे पीओपी कैसी हो रही है हमारे यहाँ, तो चलते हैं नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे घर में, और पीओपी का काम आज से स्टार्ट हो गया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बना नहीं है, दिखाऊँगी मैं आपको। पीओपी वाले भैया जो यहाँ पीओपी करेंगे, जब डिज़ाइन बन जाएगी तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और ये बैठे हैं यहाँ पे गोविंद जी, ये क्या बन रही है भैया, पट्टी? अच्छा ऐसे बनती है, फिर यहाँ से निकल के लगेगी वहाँ, तो डिज़ाइन के लिए पट्टी देख सकते हैं ऐसे बन रही है, फिर आके लगेगी। बाकी प्लास्टर का काम भी चल ही रहा है। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किचन में, हमारी पीओपी हो चुकी है और किचन का कैसा डिज़ाइन बना है दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं किचन का पीओपी का डिज़ाइन ये है, बनके हो चुका है तैयार, और अब बनना बाकी है मंदिर का कमरा, तो अभी मंदिर के कमरे का भी डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं फिर बताते हैं भैया लोगों को। बाकी किचन का तो हो गया है, शाम का समय है, शाम के बज चुके हैं 5:30, और मौसम कुछ इस तरीके का आजकल हो जा रहा है, बादल लग जा रहे हैं डेली डेली, और बच्चों का फिर से लग चुका है यहाँ पे क्रिकेट मैच, ये देख सकते हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चली है, और हवा चली तो मेरे को ठंडा बहुत लग रहा है और ठंडे से बुखार आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कपड़े पड़े थे, मैंने कहा जल्दी कपड़े उठाए मैंने, तो कपड़े फोल्ड वगैरह कर लेते हैं और सब्जी काटती हूँ, फिर शाम को मम्मी खाना वगैरह बनाएगी, अभी चाय बनाई थी आयुष ने, तो चाय वगैरह पी थी मैंने। सुबह धुल गए कपड़े, मौसम साफ था, धूप आई थी, और अभी तो बादल लग गए हैं,
बैठी बैठी कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। तो गाइस देखो हमारी लूसी, नई लूसी वो तो मर गई, उसकी दूसरी आ गई, उसके बदले में दूसरी आ गई। मैं बहुत कमी खलती है, देखो आप देख सकते हैं। कमी खलती क्या बोला है, फिर से ना बना दे लो। गाइस यहां पे मेरी सब्जी भी कट चुकी है। तो गाइज़ आज का व्लॉग भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ जा रहा है मुझे शाम से। तो आज का व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।